नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज का अपडेट है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने BEd एंट्रेंस एग्जाम 2021 दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा BEd एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया था और अब यूनिवर्सिटी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए गए हैं, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं आगे दूंगी। इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, सत्र 2021-22 के लिए बीएड प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के बिरला परिसर श्रीनगर और एससीआरटी परिसर बादशाही हॉल टिहरी गढ़वाल में प्रवेशार्थी का वरीयता के आधार पर चयन किया गया है। देखिये, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया गया है। आपको दो परिसर दिए गए हैं, बिरला परिसर श्रीनगर और एसआरटी परिसर बादशाही हॉल टिहरी गढ़वाल। तो आपको यहाँ पे जाके क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है। साथ ही देखिए, अपने सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं। और जो इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट जारी की गई है वो है 4 जनवरी, 5 जनवरी और 6 जनवरी। इन 3 दिनों में आपको अपना एडमिशन यहाँ पे करा लेना है। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद आपको क्या करना है, प्रवेशार्थी प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत निर्धारित शुल्क 2,860 रुपये विश्वविद्यालय की वेबसाइट hnbguadmission.samarth.edu.in के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जमा करेगा। ठीक है, तो आपको अपनी फीस सबमिट कर लेनी है 2,860 रुपये। इसके लिए आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद अपने फी आप सबमिट कर पाएंगे। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो हम देख लेते हैं। हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जाएंगे, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, स्नातक एवं परास्नातक अंतिम वर्ष की अंक तालिका, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको ले जानी है, अधिभार अंक यानी कि जो वेटेज एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स आपके पास अदर जो भी हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र आप लेके जाएंगे। इसके बाद देखिए, जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट आप ले जाएंगे, आर्थिक रूप से कमजोर अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लेके जाएंगे, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका प्रमाण पत्र आप लेके जाएंगे अगर लागू है तो, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। इसके बाद देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र की 2 प्रतियां यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट की आपको 2 प्रतियां ले जानी है। एक तो देखिए, जहां से आपने फाइनल एजुकेशन यानी कि लास्ट एजुकेशन जिस भी शिक्षण संस्थान से ली है वहां से आप अपना सीसी बनवा लेंगे यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और दूसरा देखिए, आपको किसी संभ्रांत व्यक्ति या राजपत्रित अधिकारी से निर्गत करवाना है। तो दोस्तों, आपको दूसरा जो है किसी A1 ग्रेड ऑफिसर के थ्रू अपना सीसी निर्गत करवाना होगा। इसके बाद देखिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप वो लेके जाएं, प्रवेश शुल्क की रसीद। इसके बाद दिया गया है बीएड प्रवेश परीक्षा अंक तालिका। देखिए, जो आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था इसका आप प्रिंट आउट निकाल लें और इसे भी आपको लेके जाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आज आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।